बीजेपी सरकार किसान हितैषी होने की बात करती है, लेकिन मंडी में किसान आज भी पीट रहा है। हैरान करने वाली बात ये कि हैफड के उच्च अधिकारियों द्वारा बाजरे की खरीद करने के आदेशों के बावजूद खरीद शुरू नहीं की जा रही। मंडी प्रधान कहते हैं कि अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। रेवाड़ी अनाज मंडी, जहां हर साल लगभग 1 लाख क्विंटल बाजरा आता है, और अब की बार भी बड़ी मात्रा में बाजरा मंडी में आया, और किसानों ने सरकारी खरीद शुरू ना होने के कारण आढ़तियों को औने पौने भाव पर बाजरा बेच दिया। शनिवार को हैफेड की एमडी रेवाड़ी आई थी, जहां हैफेड के परचेजिंग अधिकारियों को आदेश दिए थे कि सोमवार सुबह बाजरे की खरीद शुरू की जाए, लेकिन बावजूद इसके सोमवार शाम तक बाजरे की खरीद शुरू नहीं की गई, जिससे किसान और आढ़ती दोनों परेशान हैं। किसानों ने कहा कि शनिवार से वो मंडी में पड़े हैं, लेकिन बाजरे की खरीद शुरू नहीं की जा रही। वहीं मंडी प्रधान ने उच्च अधिकारियों के आदेशों के बावजूद बाजरे की खरीद शुरू ना करना अधिकारियों की मनमानी बताई। खरीद की यहाँ करके गई थी, पास करके गई थी, वो शनिवार का यहीं पड़ा है। अभी तक कोई खरीदार नहीं, खरीदार नहीं हुई है। अभी डीएम साहब यहाँ आए, उनसे बात हुई है आपकी? हाँ, हुई है। उन्होंने कह रहे हैं कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, कर रहे हैं। 4 बजा दे दिए अभी तक। अभी तो कोई कुछ नहीं हुआ अभी तक। उसका वैसे की वैसे कोई खरीद नहीं हुई, कुछ नहीं अभी तक। किसान जब से यही शनिवार से यही बैठे हैं। मैडम अपने एमडी मोहते आई थी, सुप्रभात दैया जी, हमने उनसे कहा था अपने पॉइंट पर जैसे सरसों ली है वैसे ले लो। वो कहने लगी हम तो मंडी में लेंगे। तो मंडी वाले आढ़तियों ने ये कहा था, अब हम इस कंडीशन पे देने के लिए तैयार नहीं है कि पेमेंट जमींदारों के खाते में जाए, आढ़तियों के खाते में जाए। उन्होंने हाँ कर ली, ठीक है, दाना दाना लिया जाएगा और आढ़ती को पेमेंट दी जाएगी। उस टाइम एक शिव प्रसाद एंड संस के यहाँ 4 ढेरी पड़ी हुई थी। एमडी ने आदेश कर दिए 4 ढेरी ले लो और जमींदारों से लिखवा के ले लो और आढ़ती के खाते में पेमेंट डाल दो। कह के मैडम चली गई। उसके जाने के बाद अब तक तो 38 घंटे हो चुके हैं, 24 घंटे अब तक तो वो ढेरी जमींदार परेशान है, आढ़ती परेशान है। ना कोई हैफड़ वाला सुनता है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई एमडी के आदेश की पालना हो रही है। ये नहीं लगता हमें तक भाई परचेज होगी, अफसरों की मोनोपोली हो रही है। क्या कोई हैफड़ के अधिकारी से बात हुई है? हैफड़ के अभी अधिकारी 4 बजे बार बार डीसी साहब बार बार फोन करने पर अब कमेटी में आए हैं, कहते हैं हमारे पास परचेजर नहीं है और वो छुट्टी ले गया, कोई मेडिकल ले गया, जबकि परसों मेडिकल बीमार पहले ऑलरेडी था और उसने कल ज्वाइन किया, कल उसकी बाजरे में परचेज पे ड्यूटी लगा दी गई है, वो कह रहे मेडिकल ले गया। तो लगता है कि मुझे रिवाड़ी में परचेज करना इनकी मनसा ही नहीं है हैफड़ वालों की। ये चाहे ऊपर से आदेश सरकार दे रही हो, चाहे एमडी दे रहे हो, मुझे नहीं पता अब क्यों नहीं ये रिवाड़ी में परचेज करना चाह रहे हैं। वही मार्केटिंग बोर्ड के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और हैफड़ के डीएम ने कहा कि जल्द ही खरीद शुरू की जाएगी। आज असल में खरीद प्रक्रिया सुबह 10 बजे से होनी थी, लेकिन डीएम साहब लेट आए तो अब शुरू हो जाएगा, ऐसी बात है। अभी हो रही है? हाँ, अभी शुरू होने वाली है। क्या वजह है? सोमवार से शुरू किए कहा था ना मैडम ने, एमडी मैडम ने भी सोमवार से हम परचेज शुरू कर देंगे, अभी परचेज शुरू कर देंगे। सर 4 बज गए, किसान कह रहे हैं मैं पहले कोसली था, अभी कोसली में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, वहाँ से सीधा यहाँ आए जी। अभी एमडी मैडम कोसली आ रही है, मैं मेरे को यहाँ भेज दिया, अभी शुरू कर रहे हैं परचेज। परचेजर आ जाएगा 2 मिनट में 10 मिनट। सोमवार सुबह खरीद शुरू होनी थी, लेकिन दबाव में शाम को केवल 80 क्विंटल बाजरा खरीद के अधिकारियों ने खानापूर्ति की। ऐसे में सवाल ये कि जब बाकी स्थानों पर खरीद की जा रही है तो रेवाड़ी में किसानों का बाजरा क्यों नहीं खरीदा जा रहा, और क्यों मनमानी करने वाले हैफड़ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही।